हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरके सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपी टीजीटी पीजीटी का जो फॉर्म भरा गया था, यूपी टीजीटी और पीजीटी का जो फॉर्म भरा गया था 2016 में, तो उसकी एग्ज़ाम डेट तो आ ही गई थी। तो उसका जो पीजीटी का एग्ज़ाम था, यानी प्रवक्ता का एग्ज़ाम पीजीटी, तो उसका एडमिट कार्ड जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया है। तो आप उसका एडमिट कार्ड देख सकते हैं, और वो जो है एडमिट कार्ड 14/1/2019 यानी आज से डाउनलोड होने लगेगा और 2 फरवरी तक वेबसाइट पर रहेगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपना जो है सभी लोग एडमिट कार्ड देख लें। और लेकिन हाँ दोस्तों, इस बार ये भी हुआ है कि जो निरस्त हुए विषय थे, जैसे प्रवक्ता बॉटनी का यानी लेक्चरर बॉटनी का जो एग्ज़ाम निरस्त हुआ था, उसके विषय में कोई सूचना नहीं है। और साथ ही साथ जो है एक बैड न्यूज़ है इलाहाबाद वालों के लिए, जो लोग इलाहाबाद यानी प्रयागराज जो सेंटर चुने थे, तो वो कुंभ मेले की वजह से ये एग्ज़ाम जो है प्रयागराज में नहीं हो पाएगा। 1 और 2 को होने वाला एग्ज़ाम तो प्रथम के बजाय दूसरी वरीयता देने वाले डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग एडमिट कार्ड ले लीजिए, लेकिन इलाहाबाद में इस बार जो है सेंटर नहीं बन रहा है पीजीटी का। तो इसमें दोस्तों अभी जो है केवल पीजीटी का एडमिट कार्ड जो है रिलीज़ किया गया है। तो आप लोग ऑफिशियली वेबसाइट पर जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। ये देख लीजिए नोटिस, नोटिस है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, ये आज की नोटिस है 14/1/19 देख सकते हैं आप लोग। तो ये जो है पीजीटी की जो एग्ज़ाम होना था, उसमें 1 और 2 फरवरी 2019 को होने वाली प्रवक्ता परीक्षा जो होनी थी, उसका एग्ज़ाम डेट आ गई है। और ये जो है प्रयागराज में नहीं हो पाएगा, यानी इलाहाबाद में नहीं हो पाएगा। तो अब इलाहाबाद के अलावा आपको आगरा, अयोध्या यानी आजमगढ़, बरेली, गोरखपुर, झांसी, इन सब जगहों पे सेंटर मिल सकता है। तो ये वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पर जा करके देख सकते हैं। http://parikshaup.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है। यहाँ से जाएंगे और अपनी डिटेल्स भरेंगे, आपको वेबसाइट पर जो है पूरा एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो दोस्तों सबको ऑल द बेस्ट, और बहुत अच्छे से आप अपने एक बार रिवीजन कर लीजिए, प्रैक्टिस सेट दीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। बस यही प्रॉब्लम है कि आपका सेंटर इलाहाबाद में नहीं मिल पाएगा। अभी जो RO ARO मेंस हो रहा है, तो इसका भी सेंटर इस बार इलाहाबाद में नहीं बन रहा है। तो कुंभ मेले की वजह से जो है इस बार सेंटर इलाहाबाद में नहीं बन रहे हैं। कुछ लोगों के थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आर्थिक, लेकिन ठीक है, कुंभ मेला हर बार नहीं लगता है। चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और एडमिट कार्ड देख लीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं।